नमस्कार साथियों, और राया इसमें आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। हमने इससे पहले पढ़ा था अजमेर के चौहान, ठीक है। अजमेर के चौहान पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान, देखिए रणथंभौर के चौहान कैसा है। देखिए गोविंद राज जी, जब पृथ्वीराज जी 1192 में जब त्रैन के युद्ध में हार हुई थी, उसके बाद में कहा जाता है कि उनके पुत्र गोविंद राज जी अजमेर पे राज कर रहे थे, ठीक है ना। तो कुछ संधियों पर राज कर रहे थे, गजनबी की, मोहम्मद गोरी की, कुछ संधियों पर वो अजमेर पे राज कर रहे थे। पर कुछ कारणों से उनके जब वहाँ के जो चौहान थे, बाकी चौहान, उनको वो चीज़ पसंद नहीं है कि ये मुगलों के अधीन लेके कुछ कर रहे हैं। तो फिर वहाँ से गोविंद राज जी को जाना पड़ा और गोविंद राज जी गए रणथंभौर। फिर वहाँ पर उन्होंने एक चौहानों की नई शाखा बनाई जिसका नाम है रणथंभौर के चौहान, ठीक है। तो रणथंभौर के चौहान की सबसे जो आदि पुरुष प्रथम पुरुष है, कौन है? गोविंद राज जी। मतलब रणथंभौर के चौहान को स्टार्ट किसने किया? गोविंद राज जी चौहान ने। गोविंद राज जी चौहान के बाद में नाम आता है वल्लभ प्रहलाद, ठीक है। उसके बाद में इस्तुबिश ने भी, इस्तुबिश के बारे में जब मैं आपको मुगलों के बारे में बताऊंगा इस्तुबिश कौन था, कुतुबुद्दीन का जो दामाद था, जो भी था ना, ठीक है। वैसे ही कुतुबुद्दीन का दामाद था, कुतुबुद्दीन ने सुनोगा, बाद में बात करेंगे। 526 में इसने भी यहाँ पर रणथंभौर पे अधिकार किया था। उसके प्रहलाद के पुत्र था वीरनारायण प्रहलाद के भाई था वांगभट, ये था भाई, ये तो था पुत्र वीरनारायण, ये था भाई, ये दोनों भी मतलब कि कौन राज करेगा, कौन राज करेगा, आपस में दोनों समझ गए, है ना। दोनों व्यक्ति को प्राप्त हुए तरह से ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये महान सभी महान थे। उसके बाद में आए जैत सिंह। देखिए मेन जो आते हैं जैत सिंह और हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, अगर रणथंभौर के चौहानों की बात आती है ना, तो सबसे पहले हमीरदेव चौहान दिमाग में आता है। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो हमीरदेव चौहान से पूछे जाएंगे, या फिर पूछे जाएंगे कि भाई स्थापना किसने की, तो गोविंद दास जी ने। देखिए जैत सिंह ने 1226 से 1283 तक यहाँ पर राज किया। फिर उसके बाद में क्या करा इन्होंने, मतलब अपना संत धारण कर लिया इन्होंने, अपने मतलब अपने राज्य में अपने बेटे को सौंप के ये चले गए, ठीक है ना, मतलब तपस्या करने चले गए। बताओ इनके बेटे थे हमीरदेव चौहान, ये थे हमारे हमीरदेव चौहान में रणथंभौर जी के चौहान, ठीक है ना, जिनके मतलब इनके टाइम में ही रणथंभौर के चौहानों की आगे प्रशासन खूब फैला और अच्छी चीज़ें हुई, ठीक है। तो रणथंभौर जी के चौहान हमीरदेव चौहान ने कब से कब तक राज किया? 1282 से 1301। देखिए आपको याद आ रहा होगा, तो 1282 से 1301 इनके टाइम में दिल्ली पे अलाउद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, दोनों टाइम आ गए थे। देखिए टाइम था इनका, मैं जब बताऊंगा दिल्ली में, जब आपको बता दूंगा कौन सा टाइम कौन था दिल्ली में। तो हमीरदेव चौहान को हट्टी हमीर के नाम से भी जाना था। हट्टी हमीर इसलिए नाम से जाना था क्योंकि इनके दरबार के अंदर अगर कोई जैसे कोई शरणार्थी आता था, कोई जैसे लड़ाई भी इसी कारण हुई थी, कहा जाता है कि हमीर के जो हमीर थे उनके, इन्होंने किसी शरणार्थी को सहायता दी थी, और जब मुगलों ने इनसे मांगा था तब इन्होंने मना कर दिया था, और फिर इन्होंने मतलब लड़ाई करने को तैयार हो गए थे। तो ये हमीरदेव जी चौहान थे, इनको हट्टी हमीर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने पिता जैत सिंह, इनके पिता कौन थे? जैत सिंह की याद में 32 वर्ष के शासन की याद में रणथंभौर में 32 खम्भों की छतरी का निर्माण कराया। ये आपसे पूछ लेते हैं कल्चरल क्वेश्चन पे, इसे क्या कहते हैं? इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। इन्होंने कोट्यायन यज्ञों का आयोजन किया। ये जो कोट्यायन यज्ञ है ना, एक तरह से अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ आप जानते हैं ना कि एक पूजा वूजा करके एक यज्ञ पर इनकी प्रशस्ति लिखी जाती है कि भाई ये जो घोड़ा है जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ तक मेरा अधिकार होगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप इस घोड़े को पकड़िए और हमसे आक्रमण, हमसे मतलब युद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये अश्वमेध यज्ञ इन्होंने कोट्यायन यज्ञ कराया था, जो कि एक तरह से अश्वमेध यज्ञ था। हमीरदेव चौहान 16 चूड़ों का विजेता कहा जाता है। इन्हें सिंह, इनके अन्य नाम कौन से थे? सिंह सवन, सत्य पुरुष वचन, कदली फलन, इकबाल, तिया तेल, हमीर हट चढ़ेना, ये पूरी एक लाइन थी, ठीक है ना। सिंह सन, सत्य पुरुष वचन, कदली फलन, इकबाल, तिया तेल, हमीर हट चढ़ेना दूजी बार। जब हमीर एक बार हट कर लेते हैं तो वो दूसरी बार पे कोई सिद्ध नहीं किसी की भी, ठीक है। इनके गुरु का नाम थे राघवदेव, दरबारी थे विधान विजोदिया। अब मैं बात ये तो था कि इनके बारे में मोटा मोटा बात, अब इनके बारे में बताता हूँ कि हुआ क्या था। देखिए यहाँ थे हमारे रणथंभौर, रणथंभौर में कौन था? हमीरदेव जी, हमीरदेव चौहान। यहाँ दिल्ली के अंदर उस समय था, दिल्ली में जब इन्होंने आक्रमण किया था शायद 1300 में, बताता हूँ, ठीक है, 1291 की बात है। यहाँ थे अलाउद्दीन खिचड़ी, कौन था? अलाउद्दीन खिचड़ी, इसने यहाँ पे आक्रमण किया, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूँ, ठीक है। 1291 में अलाउद्दीन खिचड़ी ने 1291 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। यहाँ पे एक जैन दुर्ग हुआ करता था, ये जैन दुर्ग
जैन दुर्ग जो था रणथंभौर की कुंजी था, मतलब अगर रणथंभौर दुर्ग को जीतना है तो पहले जैन दुर्ग को जीतना पड़ेगा। तो जैन दुर्ग पे इसने आक्रमण किया, जैन दुर्ग पे पहले इसने आक्रमण किया, जैन दुर्ग पे भाई इसको आक्रमण, इसको जब जीतेगा उसके बाद जीतेगी जो कुंजी होती थी ना किसी भी किले की, तो पहले इसको जीतो फिर उसके बाद में मेन किले को जीता जाता था। तो जैन दुर्ग पे यहाँ से हमारे मालियों का अगर इतिहास में नाम आता है तो यहीं पे एक बार नाम आया हुआ, वो है हमारे गुरुदास सैनी। यहाँ हम ही ने क्या करा, अपने एक सेनापति गुरुदास सैनी को यहाँ युद्ध करने के लिए भेजा। गुरुदास सैनी यहाँ गुरुदास सैनी जी की मतलब गुरुदास सैनी जी वीरगति को प्राप्त हुए और यहाँ इसकी यहाँ पर तो विजय होगी, पर ये आगे फिर इसने क्या करा रणथंभौर पर, जब यहाँ पर ये जीत गया अलाउद्दीन के लिए और किस पे आक्रमण करेगा रणथंभौर पर, पर ये इसका आक्रमण यहाँ पे असफल रहा। मतलब ये कब करा 1291 में असफल रहा। देखिए एक बात तो 1291 में असफल रहा, दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी है, रणथंभौर के अंदर हमीरदेव चौहान जी है, दिल्ली पर आक्रमण करने जब रणथंभौर पर आक्रमण करने से पहले जैन दुर्ग जीतना पड़ेगा, जैन दुर्ग जीतने के लिए इसने जैन दुर्ग पर आक्रमण किया, वहाँ पर रणथंभौर से हमने गुरुदास जी सैनी को भेजा, गुरुदास जी सैनी यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए, फिर ये चला रणथंभौर की ओर, फिर 1291 पर इसने यहाँ पे आक्रमण किया पर असफल रहा। एक तरह से कह जाए तो इसके अंदर ही नहीं घुस पाया वो, ठीक है, किले के अंदर ही नहीं घुस पाया। उसके बाद में बात की जाए तो 1292 में इसने वापस अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 में वापस रणथंभौर पर आक्रमण किया लेकिन फिर असफल रहा। तब अलाउद्दीन खिलजी ने एक बात कही थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने बात कही थी कि ऐसे 10 किलो की रणथंभौर किले की बात की थी कि ऐसे 10 किलो के लिए ये ऐसे 10 किले एक एक मुसलमान के बालों के बराबर भी नहीं है। मतलब वो वाली बात हो गई कि क्या कहते हैं उसको कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर हाथ नहीं आए तो क्या कहेंगे, अंगूर खट्टे हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मेरे सैनिकों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ, ठीक है, ये बात हो गई थी। अब उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये तो क्या अलाउद्दीन, अब आपने देखा होगा अगर रानी पद्मावती होती की मूवी देखी होगी तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद में कहा जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अब जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण क्यों करेगा, एक तो ये बात है कि एक तो वो अपने चाहे कुछ भी हो अलाउद्दीन खिलजी को उसने जलालुद्दीन खिलजी ने ही मतलब मारा हो, लेकिन था ससुर तो उस हार का बदला ले रहा था, और एक जलालुद्दीन खिलजी अपने प्रशासन को भी बढ़ाना, अपने उस राज्य को भी बढ़ाना चाहता था उसके लिए। और एक बात आती है यहाँ पे, इसको काटना, देखिए फ्रेंड्स रणथंभौर के चौहानों की बात हो रही थी। रणथंभौर के चौहान में मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दो बार आक्रमण किया 1291 में 1292 में, ठीक है, ये दोनों ही आक्रमण असफल रहे। किले रणथंभौर के किले को पार करना इतनी आम बात नहीं थी आस है ना, ठीक है, जब तक कि उसके भेद किसी को पता ना चले, ठीक है, जब तक कि कोई विश्वासघात ना करे, तो दोनों बार ये असफल रहा। उसके बाद में देखिए जलाउद्दीन खिलजी, आपको पता है जलाउद्दीन खिलजी बना था, ठीक है, दिल्ली का सुल्तान। अभी जलाउद्दीन खिलजी भाई बना तो ऑब्वियसली बात है वो जो पुराने उसको बदला लेने वो ले गई, तो अलाउद्दीन खिलजी के हार का बदला लेना था एक तो रणथंभौर से, और एक दूसरी बात थी कि यहाँ पे महमूद शाह था, ये मुगलों का विद्रोही था, ठीक है ना, तो ये अलाउद्दीन ये दिल्ली के जलाउद्दीन खिलजी के दरबार के अंदर मोहम्मद शाह, तो इसने कोई मुगलों में विद्रोह किया, ठीक है। बात आती है चिमना बेगम के बारे में, इतना कुछ मैं बताऊंगा नहीं चिमना बेगम के बारे में, ठीक है, आप देख लीजिए सच कर लीजिए चिमना बेगम कौन थी क्या था। तो यहाँ से महमूद शाह उठ के क्या चला गया रणथंभौर में, या क्या चला गया हमीर के पास में, हमीरदेव जी चौहान के पास में। और हमीरदेव जी चौहान राजपूत थे, तो राजपूत अपनी शरण में आए हुए किसी को सहायता कैसे ना दे, ठीक है, तो उन्होंने सहायता दे दी उसको, रख लिया, ठीक है। तो जलाउद्दीन खिलजी आया, उसने बोला कि भाई हमारे को ना हमारा जो विद्रोही है उसको आप हमें दे दीजिए, ठीक है। तो अब राजपूत राजा वचन से हटे तो कैसे हटे, तो इन्होंने मना कर दिया भाई नहीं देंगे, तो कोई युद्ध करना तो युद्ध कर ले। तो फिर ये युद्ध के कारण माने कि जलाउद्दीन खिलजी अपने युद्ध करेगा। फिर जो पहला जब 1299-1300 के बीच में जलाउद्दीन खिलजी ने उल्लुक खां और नुसर खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जहाँ हिंदू वाटी घाटी का युद्ध हुआ, ठीक है। हम ही के सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह, यहाँ नुसरत खां वहाँ आया था, और हमारा एक सेनापति यानी रणथंभौर के हमीर जी के एक सेनापति भीम सिंह जी भी यहाँ मारे जाते हैं अल्पा खां के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में ये युद्ध समाप्त हो जाता है और हमारे यहाँ पे विजय होती है रणथंभौर जी के, रणथंभौर हमीर जी की। क्या होता है कि भीम सिंह जी की हत्या का दोषी है ना धर्म सिंह जी को ठहराया जाता है, किसके द्वारा, हमीर जी चौहान के द्वारा। पर थोड़े दिन तक ये रहता है, फिर बाद में धर्म सिंह जी क्या कहते हैं वापस अपना पद मतलब प्राप्त कर लेते हैं, चाहे कैसे भी
अपने चापलू से करके या जैसे भी उन्होंने धर्म करते हैं। एकदम एक बार इनके बैर फट गया मन में कि भाई इन्होंने दोषी करा दिया, तो ये क्या करते हैं, धर्म सिंह जी जाके अलाउद्दीन खिलजी के पास में मिल जाते हैं और यहाँ के थोड़े भेद खोल देते हैं, ठीक ना। तो फिर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, वापस यहाँ पे रणथंभौर पर आक्रमण करता है। रणथंभौर पर आक्रमण करता है तो रणथंभौर के दो सेनापति रणमल और रणतिपाल, अब देखिए वहाँ जो अलाउद्दीन के लिए काफ़ी दिनों तक वहाँ पे घेर के घेरा बनाया रखता है। अलाउद्दीन जी खुद उठ के आ जाता है क्योंकि ये दो बार ये युद्ध कर चुका है, पहले जीता नहीं गया, ठीक है ना, दो के तीन, एक दो तीन बार युद्ध कर चुका है, जीता नहीं गया, तो अलाउद्दीन खुद उठ के यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ की जो भेद है ना इन रणतिपाल में से एक में इनको ये भेद बता दिया, ये लालच देता है एक तरह से, फिर यहाँ जो अंदर जो पास होते हैं भाई अंडर जो मतलब गुप्त रास्ते होते हैं वो बता देता है। और यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे जो मतलब गुप्त रास्ते होते हैं वहाँ से भी अन्य भाई अंदर अगर आप सेना पूरी बंद है, गांव के लोग भी हैं, तो वहाँ पे खाने पीने की भी थोड़े कमी हो गई, ठीक है ना, पानी की कमी हो गई। फिर क्या हुआ, हमीर जी ने केसरिया धारण किया और रानी रणदेवी ने जौहर कर लिया। केसरिया धारण करने का मतलब होता है कि बस अब लड़ो या मरो का युद्ध होगा, मतलब अब तो वीर गति को प्राप्त होंगे ऐसा युद्ध। बाहर यार 1000 लोगों की सेना खड़ी है, अंदर हाँ राजपूत है 100 लोग है, पर फिर भी वो 1000 को मार सकते हैं, पर ऐसी स्थिति आ जाती है कि मतलब वीर गति को प्राप्त होना ही होता है। तो केसरिया धारण करते थे वो, ठीक है, तो उनकी रानियां जो है अपने सतीत्व के बचाव के लिए क्या कहती थी, जौहर कर लेती थी। हमीर जी की ही एक बेटी थी देवल, ठीक है ना, ये देवल ने अपने सतीत्व के बचाव के लिए क्या करा, पद्मा तालाब में कूदकर, पद्मा ये हमीर जी की और रंगदेवी की बेटी थी देवल, उन्होंने क्या करा, पद्मा तालाब में कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा की, ठीक है। इनके बाद ये जो 11 जुलाई 1301 को जब केसरिया और जौहर दोनों एक साथ होता है तो इसे बोला जाता है शाखा, ये राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है ना, मतलब रिटर्न में ये राजस्थान का प्रथम शाखा है, राजस्थान का प्रथम शाखा, ओके। कब हुआ था, 11 जुलाई 1301 में। नैनचंद सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा है, उसमें बताया कि हमीर जी ने अपने जब लास्ट प्रेम में अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया था, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स देखिए ये मैं जो नोट्स बनाता हूँ, आप भी अपने नोट्स अपने तरीके से बनाइए, लिख लिख के जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे आप अपने नोट्स बनाइए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू।